आज के इस दौर में व्यक्ति बहुत ही व्यस्तता के तौर से गुजर रहा है। किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह बहुत ही आराम से हर काम करे। टेक्नोलॉजी के इस युग में व्यक्ति अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। इसी के चलते ई कॉमर्स ने हर व्यक्ति को बहुत सी सुविधाएं, जैसे ऑनलाइन सामान खरीदना, सामान की घर पहुँच सेवा, सामान ना पसंद आने पर वापसी की सुविधा प्रदान की है, जिससे पैसे व समय दोनों की बचत होती है। ई कॉमर्स की दुनिया में अमेजन भी बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी दुकान आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं उस कंपनी के संस्थापक का नाम है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस एक ऐसे इंसान है जिसकी सोच बहुत ही ऊंची थी। उस समय जेफ बेजोस ने अमेजन की स्थापना की तब किसी ने नहीं सोचा था कि ई कॉमर्स या इंटरनेट का व्यापार या ऑनलाइन शॉपिंग इतने आगे जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पूरी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर हो जाएंगे। बहुत ही दूरगामी सोच रखने वाले ऐसे व्यक्ति ने जुलाई 1994 में अपनी कंपनी कैडबर को एक साल बाद अपने वकील से इसका नाम परिवर्तन कर अमेजन किया। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का इतना अलग नाम इसलिए रखा क्योंकि कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन है। ठीक उसी तरह जेफ बेजोस ने अमेजन को दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी खोलने की योजना बनाई थी। सबसे पहले अमेजन कंपनी ने बुक्स से अपना व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और लोगों की जरूरत को देखते हुए सभी चीज़ों का व्यापार अपनी इस कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स, कॉल्स और भी ऐसी वस्तु जो कि जीवन में आवश्यक हो। सुई से लेकर जहाज तक, मेरे कहने का मतलब है छोटी से लेकर बड़ी वस्तु मिलेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया अमेजन ने धीरे धीरे कर एक विशाल रूप ले लिया था, जिसके चलते कंपनी को अकेले नहीं चलाया जा सकता था। अन्य मेंबर्स की आवश्यकता होने लगी, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उनको उनका पद और कार्यभार सौंपा गया, जो कि इनके नाम है जेफ बेजोस, जॉन सीली ब्राउन, टॉम अल्बेक, जमी कोर्लिक, बिंग गॉल्डेन, पेटी स्टोनसीफर, थॉमस ओरीडर। आपने तो ये जान लिया कि अमेजन क्या है और कैसी बनी। आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। अमेजन एक ऐसी कंपनी है जो कि किसी वस्तु का स्वयं निर्माण नहीं करती, बल्कि उसे अलग अलग कंपनियों से उचित दामों पर खरीदती है और फिर उसे अपने अनुसार बेचती है। अमेजन पर किताबें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बच्चों से लेकर बड़े तक के प्रत्येक जरूरत का सामान, घर की छोटी बड़ी सभी वस्तुएं, मोबाइल्स, कंप्यूटर और भी उससे संबंधित सभी टूल्स, गहने, मोटर व्हीकल, किराने का सामान, सभी छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, जिसे खरीदने के लिए कई ऑफर्स हर दिन होते हैं। अमेजन के विश्व के कई देशों में इसके सेंटर है। भारत में इसके सेंटर अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, पुणे, मुंबई, ये सभी भारत के प्रमुख शहर है जहां अमेजन के सेंटर खोले गए। और भी सेंटर भारत के अलग अलग शहरों में खोले जा सकते हैं। अमेजन ने इंटरनेट पर बहुत सी सुविधाएं देना शुरू कर दिया है, जैसे अमेजन प्राइम, अमेजन गेम आदि बहुत सी सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है और लोगों के दिल में जगह बनाते जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अमेजन की सफलता की कहानी। कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।